सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात की है। उम्मीदवारों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी से चर्चा की गई। बैठक के बाद बोले सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रत्याशियों को लेकर मैंने कमेटी के सामने बात रखी है। तो सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से बताया गया कि प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कमेटी के सामने बात रखी है। जो उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में उतारे जाएंगे उसको लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चर्चा की गई है। आज से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत हो रही है और बैठक के बाद प्रत्याशियों को लेकर मैंने कमेटी के सामने बात रखी, ये बयान सामने आया सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। तो आज से इस बैठक की शुरुआत हो गई है। 4 दिन की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चलेगी और इस दौरान चुनाव में किन उम्मीदवारों को उतारना है उस पर चर्चा की जाएगी, टिकटों को लेकर बातचीत की जाएगी। बैठक के बाद दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने स्क्रीनिंग कमेटी से मुलाकात की है। उम्मीदवारों को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी से चर्चा की गई है। बैठक के बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर मैंने कमेटी के सामने अपनी बात रखी है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी ने मुझे समय दिया था, मैं स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष में आया था और स्क्रीनिंग कमेटी में जो होता है अमूमन वही हुआ। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष जो है मैंने अपने विचार रखे संभावित प्रत्याशियों को लेकर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। कब तक पहली लिस्ट आ जाएगी? ये तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की हमारी जो टिकट वितरण की प्रक्रिया है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी समय पर लिस्ट आ जाएगी, नामांकन से पहले लिस्ट आ जाएगी, हम विश्वास देखते हैं। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। दीपक जी, आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या कुछ बैठक के दौरान हुआ और दीपेंद्र हुड्डा की ओर से भी ये बात कही गई है कि प्रत्याशियों को लेकर उन्होंने कमेटी के सामने बात रखी है, क्या कुछ बातचीत दीपेंद्र हुड्डा और कमेटी के बीच हुई, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि अब से पहले अगर हम बात करें, स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो तमाम सदस्यों के साथ चर्चा कर रही थी, जो प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ चर्चा कर रही थी और उसके बाद अगर बात करें तो अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की शुरुआत की गई है। दीपेंद्र हुड्डा जब पहुंचे थे तो बतौर कांग्रेस सांसद के तौर पर पहुंचे थे, उन्होंने भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों से अपनी मुलाकात करी थी, अपनी तरफ से जो प्रेफरेंस है वो नाम सामने रखे थे, किस तरीके के उम्मीदवार है और खासकर उनकी रोहतक लोकसभा को लेकर के अगर बात की जाए तो वो कौन कौन से उम्मीदवार होने चाहिए उनको लेकर के चर्चा करी थी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो जो स्क्रीनिंग कमेटी की जो प्रॉपर एक बैठक है, अब नामों को लेकर के का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में हिमाचल भवन, ये हिमाचल भवन है जहां पर इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस हिमाचल भवन में इस वक्त जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जिसमें अगर बात करें तो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन और उनके तमाम सदस्य यहाँ मौजूद हैं। हरियाणा से बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदय भान वो इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया वो इस बैठक में मौजूद हैं और नामों को लेकर के छटनी की जा रही है। एक आपको जानकारी जरूर देना चाहेंगे, एक ब्रेकिंग देना चाहेंगे कि जब ये बैठक शुरू हुई थी तो 2500 से ज्यादा नाम पहले स्क्रीनिंग कमेटी के पास आवेदन आए थे, कांग्रेस के पास करीबन 2500 से ज्यादा आवेदन आए थे। अगर हम बात करें तो अभी आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर में, लगातार नेताओं के जो आने का सिलसिला है वो भी अभी जारी है यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी के जो तमाम सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि अजय माकन साहब जो टीम है वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ तक हम बात कर रहे थे आवेदनों की, तो 2500 से ज्यादा
स्क्रीनिंग कमेटी के पास आवेदन आए थे, जिनमें से शॉर्टलिस्ट किए गए थे तकरीबन 700 आवेदन बचे थे। उन 700 में से भी अब अगर बात करें 350 के करीब आवेदन बचे हैं और उनके अब पैनल बनाए जा रहे हैं। पैनल हर विधानसभा वाइज बनाया जा रहा है। हर विधानसभा में जो नाम बचे थे, ऐसी सीटें भी हैं, 14 सीटें ऐसी है जो जानकारी में आई है जहाँ केवल सिंगल सिंगल नाम रखा गया है। जिस तरीके से हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, विधानसभा से केवल भूपेंद्र हुड्डा का नाम रखा गया है। होडल से केवल उदय भान का नाम सामने रखा गया है। झज्जर से केवल गीता भुक्कल का नाम इसे यहाँ पर रखा गया है। बादली से केवल कुलदीप वत्स का नाम जो है पैनल में रखा गया है। ऐसे बहुत सारे नाम है जो सिंगल सिंगल रखे गए हैं। हम गन्नौर की बात करें तो कुलदीप शर्मा जो है उनका नाम केवल यहाँ पर रखा गया है। लेकिन फिलहाल अन्य सीटों की बात करें तो एक से लेकर के तीन और कहीं पांच नाम भी हैं जिनको अब शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है कि हर कोशिश ये की जा रही है कि हर विधानसभा में एक दो या मैक्सिमम तीन नाम तक रहें, उन नामों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है और बाकी के जो नाम है उनको अब हटाया जाएगा। तो अब ये स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक है जो इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया हैं। बाकायदा वो पूरी रिपोर्ट लेकर के यहाँ पर आए हैं। 90 विधानसभा को लेकर के चर्चा की जा रही है। और दिल्ली में हिमाचल सदन में अगर बात करें, हिमाचल जो भवन है मंडी हाउस में, यहाँ पर यह बैठक इस वक्त की जा रही है। और पूरी तरीके से इस बैठक को हालांकि गोपनीय रखा गया था, 5वें फ्लोर पर यह बैठक है जहाँ किसी के भी ओर के आने जाने पर सीधे तौर से रोक लगाई गई है, क्योंकि यहाँ नामों को लेकर के मंथन हो रहा है, यहाँ प्रत्याशियों को लेकर के मंथन हो रहा है कि कौन कांग्रेस का प्रत्याशी होगा इस विधानसभा चुनावों में, जिसको लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और एक लंबी बैठक आज चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 90 विधानसभा हैं और उसमें नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने हैं, 2500 से 700 नाम किए गए, 700 से 350 के करीब नाम किए गए, और अब उन पर हर सीट पर कोशिश ये है एक दो या तीन नाम रहें। अब तक जो जानकारी आई है 14 विधानसभा में केवल एक एक नाम रखा गया है। इसके अलावा बाकी विधानसभाओं पर भी जो अगर बात करें तो नामों को लेकर के चर्चा की जा रही है। बाकायदा पैनल तैयार किया जा रहा है, जो पैनल कांग्रेस हाई कमान को भेजा जाएगा। हालांकि सभी नाम आज ही शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे, तकरीबन तीन दिन तक चुनाव जो है वो कांग्रेस जीतेगी ही, यही दावा बार बार कांग्रेस के अलग अलग नेताओं की ओर से किए जा रहे हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आपने बताया कि किस तरह से जो आवेदन हुए हैं वो लगातार कम होते चले गए, अब 350 आवेदन भी बचे हैं और उस पर पैनल तैयार किया गया है, पैनल को आगे हाईकमान को भेजा जाएगा। लेकिन क्या नामों को चूज किए जाने के पीछे कोई रणनीति तैयार की गई है, कोई मुख्य बातें सोचकर ये नाम चुने गए हैं? देखिए, कांग्रेस के सामने भी, सारे राजनीतिक दलों के सामने चुनौती होती है कि जिताऊ और मजबूत जो उम्मीदवार हों उनको यहाँ पर धरातल पर उतारा जाए, जो पैनल है वो मजबूत रहे। ये यहाँ पर अगर बात करें तो प्रयास जो है फिलहाल कांग्रेस के द्वारा भी किया जा रहा है। सभी विधानसभा स्तरों पर मजबूत उम्मीदवारों को उतारने को लेकर के कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। 90 विधानसभाओं पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने, और इन 90 विधानसभाओं की अगर हम बात करें तो, क्योंकि फिलहाल जिससे कि हमने बताया कि 14 के करीब ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ सिंगल सिंगल नाम तय कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा की अगर हम बात कर रहे हैं, यही कोशिश की जा रही है कि मजबूत उम्मीदवार रहे, एक बड़ी चुनौती रहेगी। लेकिन साथ साथ तीन सर्वे भी, रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के पास है, तीन अलग अलग सर्वे करवाए गए हैं। एक प्रदेश कांग्रेस की तरफ से है, दो सर्वे अलग है जिनमें से एक कांग्रेस के प्रवेक्षकों के द्वारा करवाए गए हैं, कांग्रेस के द्वारा करवाया गया है। एक खुद राहुल गांधी की टीम जो है, जो कि प्राइवेट एजेंसी के थ्रू उनका सर्वे करवाया गया है, तीनों सर्वे को भी आधार बनाया जा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा जो प्रदेश कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पीएसी के सदस्य हैं, उनसे भी रिकमेंडेशन ली गई है। जैसे कि थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे, उससे पहले हमने देखा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कल पहुंचे, कुमारी शैलजा पहुंची, कैप्टन अजय यादव पहुंचे, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप पहुंचे, सबने अपने अपने रिकमेंडेशन दी, अपने अपने क्षेत्र को लेकर के नाम रखे। और उन सब रिकमेंडेशन के बाद, उन सब नामों के बाद अब स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों पर छटनी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा आधार जिताऊ, मजबूत, और सर्वे में जो मजबूत होगा, तीन तीन सर्वे हैं, उन सर्वे को भी आधार बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के इस वक्त दिल्ली में अहम बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की चल रही है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। आप इस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत